सबसे पहले शुरुआत करेंगे माजगांव डॉक से बिल्डर लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की बात करें तो लगभग 4% की तेजी, और इस तेजी के पीछे का रीजन की बात करें तो अपकमिंग बजट, जो कि आप देख सकते हो कि आज के दिन जितने भी शिपिंग वाले स्टॉक है, हर एक शिपिंग स्टॉक में हमें एक बहुत अच्छे खासा रैली देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन है कि हो ये शिपिंग वाली कंपनियां ये उम्मीद लेके चल रहे हैं, जो कल के दिन हमें बजट देखने को मिलेगा, इस बजट में शायद से शिपिंग वाली कंपनी को बहुत ही अच्छे एलोकेशन दे सकता है, जो कि आप देख सकते हो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कल के दिन इस सेक्टर के ऊपर बजट के साइड से एक बहुत ही अच्छे खासा पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ सकता है। और इसी उम्मीद के चलते एक दिन पहले इन शिपिंग वाले स्टॉक में हमें जबरदस्त बाइंग देखने को मिला। एलोकेशन देंगे नहीं देंगे, बजट में किस प्रकार के अनाउंसमेंट आएगा, किन सेक्टर के ऊपर क्या निकल के आएगा, ये किसी को नहीं पता, बट उम्मीद से आज के दिन स्टॉक में हमें अच्छे खासे बाइंग देखने को मिला। तो देखते हैं कल के दिन इन शिपिंग सेक्टर के ऊपर बजट के साइड से किस प्रकार के पॉजिटिव अनाउंसमेंट निकल के आते हैं। बाकी अगर माजगांव डॉक की बात करें तो स्टॉक तो देखा जाए एकदम टॉप पे है, एकदम अपना ऑल टाइम हाई पे, और देख सकते हो कितने जबरदस्त प्रॉफिट बना के दिया। तो बजट भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इनको अच्छे खासा एलोकेशन मिला जिस उम्मीद के चलते आज के दिन स्टॉक ने रैली दिखा, अगर इसी उम्मीद के हिसाब से इनके ऊपर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है तो डेफिनेटली ये जो रैली है ये रैली आगे और भी कंटिन्यू होगा। और उसके बाद जो एक कंसोलिडेशन में स्टॉक फंसा हुआ ये 6000 के आसपास, जो फिलहाल इसको ब्रेकआउट दे नहीं पाया, तो स्टॉक फिलहाल तो इसी रेंज में 6000 से लेके 5000 के रेंज में काफी टाइम से अपने आप को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अगर बजट में अच्छी न्यूज आ गया इन कंपनी के फेवर में तो स्टॉक में जबरदस्त बाइंग आ गया, उसके बाद 6000 को ब्रेकआउट देकर 6.5 या था कि 7000 तक भी ये रैली दिखा सकता है। डिपेंड करता है कल के दिन किस प्रकार के खबर बजट के साइड से निकल के आते हैं इस कंपनी के ऊपर। अगर पॉजिटिव हो तो जबरदस्त रैली आएगा, अगर नेगेटिव हो तो भाई इतना प्रॉफिट बना हुआ है और उम्मीद के चलते आज के दिन स्टॉक में अच्छे खासे रैली भी आए तो एक अच्छे खासे छोटा मोटा गिरावट भी आ सकता है। तो जैसे आज के दिन आपने स्टॉक को फोकस में रखा इस शिपिंग वाले स्टॉक को, तो कल के दिन भी हर एक शिपिंग स्टॉक को जरूर फोकस बना के रख सकते हो। कल के दिन इन सारे स्टॉक में आपको बहुत बड़े हलचल भी देखने को मिल सकते। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो HL शेयर, अगर हम HL लिमिटेड की बात करें तो इसमें भी देख सकते हो कि आज के दिन लगभग 4% की तेजी, और पिछले 5 दिन से स्टॉक में जो टॉप लेवल से एक तरफ एक अच्छे खासे गिरावट हो रहा था, अच्छी बात है कि आज के दिन उस गिरावट में एक फुल स्टॉप भी लगा है, और इसी बॉटम लेवल से आज के दिन बहुत ही जबरदस्त बाउंस बैक दिखा। साथ ही साथ जो 5000 की इंपॉर्टेंट एक क्रूसिय लेवल है उसी लेवल के ऊपर स्टॉक ने अपने आपको उसने क्लोजिंग भी दिया, और सेम आज के दिन भी जो स्टॉक ने बॉटम लेवल से इस प्रकार के जबरदस्त कम बैक दिखाए, जबरदस्त एक रिकवरी दिखाए, उसके पीछे भी सेम रीजन है कि बजट। देख सकते हो कि आज के दिन शिपिंग स्टॉक के साथ साथ जितने भी डिफेंस वाले स्टॉक है सभी में हमें आज के दिन जबरदस्त रैली देखने को मिला। हर आप किसी भी डिफेंस स्टॉक को उठा के देख लो जो कि मार्केट में लिस्टेड है, सारे डिफेंस स्टॉक में आज के दिन हमें रैली देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन है कि बजट और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही हायर एलोकेशन इन सेक्टर को मिल सकता है। मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो 23 जुलाई, जो कि हमें कल के दिन ही हमारे सामने सारा डेटा आ जाएगा। उसके बाद आपको हर इन सेक्टर मतलब उसके बाद फिर से आपको स्टॉक में बहुत बड़े हलचल भी देखने को मिल सकता है। और बाकी अगर हम स्टॉक की बात करें HL शेयर की, तो आप देख सकते हो स्टॉक फिलहाल तो टॉप लेवल से अभी भी देखा जाए तो 10-12% डाउन है, लेकिन अच्छी बात है इसने एटलीस्ट 5000 के ऊपर ही अपने आपको उसने क्लोजिंग भी दिया। तो अगर कल के दिन मान लो इन डिफेंस सेक्टर के ऊपर जो उम्मीद लेके आज के दिन स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया, तो इसी उम्मीद के हिसाब से अगर इन डिफेंस सेक्टर को बहुत ही अच्छे खासे एलोकेशन मिलता है, बहुत अच्छे खासे पॉजिटिव इन सेक्टर के ऊपर आता है, तो डेफिनेटली दोस्तों जो रैली स्टॉक ने आज के दिन दिखाया ये रैली आगे भी आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो 5500 के लेवल है जिस लेवल से स्टॉक गिरा है साथ से उसको भी ब्रेकआउट देके 6000 तक की भी रैली शॉर्ट टाइम में दिखा सकता है, डिपेंड करते हैं कल के दिन खबर कैसे निकल के आता है। तो इसीलिए कल के दिन शिपिंग वाली कंपनी के साथ साथ आप इन डिफेंस वाली कंपनी के ऊपर भी आप जरूर फोकस बना के रख सकते हो। मान लो इनके अगेंस्ट में आता है, मान लो ये जिस उम्मीद के चलते आज के दिन इन डिफेंस वाली कंपनी में अच्छे खासा हमें बाइंग देखने को मिला कि इनको बहुत ही हायर एलोकेशन मिलेगा, अगर मान लो ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इनके हिसाब से नेगेटिव भी पॉइंट होता है तो स्टॉक फिर से गिरेगा, फिर से 4500 के करीब आएगा, तो जरूर चाहो आप मतलब अगर गिरावट मिलता भी है तो उस गिरावट के लिए वो गिरावट आपके लिए अच्छे खासा मौका भी रहेगा, आप जरूर चाहो तो उस गिरावट का अच्छे खासे फायदा उठा के भी आप जैसे तो खास करके लॉन्ग टाइम के साथ, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए ये कंपनी बहुत अच्छा, लॉन्ग टाइम में ये कंपनी आपको आगे अच्छे करते आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो बजाज फाइनेंस, अगर हम आज के दिन की बात करें तो लगभग 0.5% की गिरावट, 5 दिन में लगभग 2% डाउन, बट एक्चुअल में देखा जाए ये जो 2% की गिरावट है वो सिर्फ और सिर्फ हमें पिछले 2 दिनों में देखने को मिला इसी लेवल से, और पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने जो इस प्रकार के गिरावट दिखाया तो ये बजाज फाइनेंस स्टॉक के लिए एक बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट तो जरूर है,
क्योंकि आपको पता है कि कल के दिन इस कंपनी के 23rd जुलाई इस कंपनी के नंबर आने वाले, और नंबर से पहले जो इसके 7000 के इंपॉर्टेंट लेवल है जो अभी तक स्टॉक होल्ड कर रहा था, बट नंबर आने से 2 दिन पहले स्टॉक ने ब्रेक डाउन दे चुका, और ब्रेक डाउन देने के बाद एक तरफा हमें स्टॉक में अच्छे खासे प्रेशर भी देखने को मिले। तो क्या बात सर, मान के चल रहे जो कल के दिन कंपनी के नंबर आने वाले वो नंबर हमें थोड़ा बहुत खराब ही देखने को मिलेगा, जिनके चलते पहले से ही हमें स्टॉक में अच्छे खासे गिरावट देखने को मिले। और जहां तक अगर कंपनी के नंबर की बात है तो इस बार के जो नंबर रहेगा जो कि कल के दिन आने वाले हैं, तो कुछ ब्रोकरेज हाउस के मानना है वो मान के चल रहे कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको डबल डीट की ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और बाकी जो लोन बुक है उसमें भी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी का आपको लोन ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर हम एवरेज एस्टिमेट की बात करें कि कल के दिन बजाज फाइनेंस के नंबर किस प्रकार के आ सकता है, तो क्या आप देख सकते हो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम रहने वाले हैं उसमें लगभग हमें 34% के जम देखने को मिल सकता है, जो कि 9042 करोड़ के आसपास आएंगे। देन अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें एस्टिमेट किया जा रहा है कि नेट प्रॉफिट में लगभग हमें 17% की ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि 4020 करोड़ के आसपास। जो प्रेशर हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है इसके चलते फिर से स्टॉक जो 7000 के इंपॉर्टेंट लेवल है उस लेवल के नीचे स्टॉक अपने आप को वो ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर कल के दिन नंबर बहुत खराब आ गया तो जो प्रेशर पिछले 2 दिनों से बना हुआ है, और ये तो ये 7000 को ब्रेक डाउन दे चुका है और उसी के नीचे वो क्लोजिंग भी कर रहे हैं, मतलब उसी के नीचे वो सस्टेन भी कर रहे हैं, तो यहाँ से और भी बहुत बड़े सेल ऑफ या फिर और भी बहुत बड़े गिरावट आ सकता है, जो गिरावट यहाँ से लगभग और भी 400 पॉइंट, मतलब 400 पॉइंट तक भी ये गिरावट दिखा सकता है। नियर बाय 6500 के करीब भी स्टॉक एक ही झटके में आ सकता है। डिपेंड करते हैं कंपनी के नंबर कितने ज्यादा खराब है, क्योंकि मार्केट ने पहले मान लिया कि कंपनी के नंबर डिसअपॉइंटिंग आएंगे, अगर थोड़े अच्छे नंबर दिखा दी तो जबरदस्त बाइंग आएगा, और बहुत खराब नंबर दिखा दी तो ऑलरेडी स्टॉक में प्रेशर है ही, ये प्रेशर आगे और भी कंटिन्यू हो सकता है। तो जिसके पास भी बजाज फाइनेंस कल के दिन जरूर फोकस बनाकर रखना। इनमें एक अच्छी पॉइंट है, मान लो कल के दिन डिसअपॉइंटिंग नंबर आता है और स्टॉक में और भी जोरदार गिरावट होता है और 6500 के करीब आ जाता है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छे खासा मौका हो सकता है। क्योंकि इससे पहले, मतलब हर बार इससे पहले मैंने आपको कहा था कि कंपनी नंबर के बाद मैक्सिमम टाइम नंबर के बाद जो रिएक्शन होता है स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन होता है, और नंबर के बाद हमेशा ये स्टॉक गिरावट ही दिखाता है। तो मान लो कल के दिन नंबर के बाद नंबर खराब आता है और स्टॉक जोरदार गिरता है, तो जरूर आप चाहो तो उस गिरावट का अच्छे खासे लॉन्ग टाइम के साथ साथ शॉर्ट टाइम के लिए भी फायदा उठा के आप चल सकते हो। आखिरी स्टॉक की बात करें तो कृष्णा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस लिमिटेड, अगर हम आज के दिन की बात करें तो एक फ्लैटिस परफॉर्मेंस, बाकी इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी अभी इसकी लिस्टिंग हुआ 2021 में, तब से लेकर अभी तक नेट नेट 108% की प्रॉफिट। बट इंपॉर्टेंट चीज कि हाल ही में इस कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:5 का स्प्रीट का अनाउंसमेंट किया, जिनके चलते इस स्टॉक में हमें और भी हलचल देखने को मिले। तो जिसके पास भी है उनके लिए अच्छी बात है, जिनके पास है नहीं तो बोनस और स्प्रीट के चलते किसी भी स्टॉक में जाने की जरूरत है नहीं, अच्छे कंपनी के साथ बने रहोगे तो उस प्रकार के बोनस स्प्रीट आपको अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल